नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। आज हम बामणा उपखंड के ग्राम पंचायत रिवाली का दौरा करेंगे और कई सारी चीज़ों को हम बताएंगे आपको कि यहाँ क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि हमने कई सारे क्षेत्रों का दौरा किया लेकिन यहाँ से हमारे पास बराबर समाचार आ रहे थे कि पानी की समस्या को लेकर। लेकिन जब हमने यहाँ के सरपंच देसराज रेगर से बातचीत की, वो भी हमारे साथ है, और PHD विभाग के अधिकारी हैं, वो कहीं काम से गए हुए हैं, उनसे भी हम ऑनलाइन बात करने की कोशिश करेंगे अगर वो हमारा फ़ोन को रिसीव करते हैं तो। लेकिन आज बामणवास की अगर मैं बात करूं तो बामणवास के कई गांव ऐसे हैं जहां पानी की समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं और प्रशासन के अनदेखी के कारण, प्रशासन सही समय पर काम नहीं कर रहा, इसके कारण लोग पानी को तराई तराई मचा रहे हैं लेकिन प्रशासन की कान पर जू तक नहीं रेंगती, ये एक सवालिया एक निशान है। अब आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पानी की समस्या को दूर करने के लिए ये जो गांव में टंकी बनी है इसका काम निर्माणाधीन है और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत जल्दी ये निर्माण बन के तैयार हो जाएगा और लोगों को जो पानी की जो समस्या है, पानी की जो परेशानी है, कहीं ना कहीं उससे निजात मिलेगी। और जैसा हमें जानकारी हमें मिली कि जो पाइपलाइन है वो जगह बिछा दी गई है तो पाइपलाइन का काम दुरुस्त से कर दिया गया है और ये टंकी मैं आपको दिखा दूँ, इस टंकी का काम भी बराबर से चल रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को पानी की जो समस्या है उसका उससे बहुत जल्दी निजात मिलने की ऐसी जानकारी है हमारे पास। लेकिन ये पानी की जो मिलेगा तो कब मिलेगा और कितने दिनों मिलेगा ये भी एक सवाल निशान है। आप देख पा रहे हो यहाँ जो ठेकेदार की जो लेबर है जो बराबर काम कर रही है और जो माल मटेरियल वो बिल्कुल यहाँ पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं काम तो चल रहा है। दूसरी ओर हमें वो जानकारी मिली, मैं आपको बता दूं कि ये जो पानी का जो टैंक बनाया है इस पानी को ठेकेदार ने इस टैंक में पानी चालू कर दिया है और इसके अंदर अब पानी भरा हुआ है, इसकी भी हम जानकारी लेंगे आपको और ठेकेदार के लोगों से भी हम मिलाएंगे। अगर कोई यहाँ संबंधित उनके कार्य को देख रहे होंगे, कोई जिम्मेदार पर्सन होगा तो उनसे भी हम बात करेंगे, सरपंच से भी हम आपकी बात करेंगे आखिरकार ये जो मैटर है कहाँ फंसा हुआ है ताकि लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा, और उसकी हम पूरी तहकीकात करेंगे और जांच करेंगे कि कहां पर गुंडी फंसी हुई है और लोगों को पानी की जो समस्या है उसका निराकरण क्यों नहीं हो पा रहा है। ठेकेदार को आदमी है कोई? यहाँ ठेकेदार जी आ जाओ एक मिनट और हम आपको अब ठेकेदार जी से बात कराते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है। हालांकि उनका काम चल रहा है तो सबसे पहले सर जी न्यूज़ पोर्टल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर आप ये टंकी के बारे में बताएंगे कि टंकी कब तक ये बन के तैयार हो जाएगी और आगे की क्या रणनीति है आपके? सर इसमें लगेंगे लगभग दो महीने लगेंगे। तो सर सुनने में ऐसा है कि लोगों पानी के लिए तरस रहे हैं, कहीं कहीं आपने इस टंकी निर्माण से पहले इसको चालू कर दिया गया पानी के लिए? चालू कर दिया गया, बूस्टिंग पानी दे दी गई है, पाइपलाइन चालू है, पूरी कनेक्शन नहीं करवा रहे लोगों का। आपके आपके आपकी तरह से बिल्कुल ओके सर। चलो बहुत अच्छी बात है, कहीं के पता तो चला हमें। तो आखिरकार सर समस्या ये लोग कह रहे हैं जो समस्या कहाँ पर अटकी हुई है, पानी के कनेक्शन ये क्यों नहीं करवा रहे, क्या कारण है सर? ये तो देखो हमारे PHD का काम तो है नहीं जी सर, ये पंचायत का काम है, वो फाइलिंग करेगी उसके बाद कनेक्शन होंगे। आपका काम था पानी सप्लाई करने का और पानी दुरुस्त कराने का, वो काम आपने करवा दिया। अब आती है PHD और ग्राम पंचायत। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर आप हमसे जुड़े। तो ये ठेकेदार क्या नाम सर आपका? खेमराज मीना। खेमराज जी, ये खेमराज मीना जी थे और इन्होंने इनका काम है वो पूरी मेहनत और ईमानदारी से किया जैसा कि इन्होंने बताया और इस बात को गांव वाले भी बोल रहे हैं। और आइए अब मैं आपको यहाँ के रूबरू करवाता हूँ सरपंच से, जो देसराज लेकिन यहाँ के सरपंच हैं उनसे आपको रूबरू करवाता हूँ। देसराज जी, आपका जैसे ठेकेदार जी ने अभी बोला कि मैंने पानी की सप्लाई बिल्कुल चालू कर दी है, अब PHD और ग्राम पंचायत करेगा, तो आप क्या कहना चाह रहे हो? नहीं, ठेकेदार की तरफ से तो लाइन चालू कर दी है और लाइन में पानी भी छोड़ दिया गया है, बाकी ये जो भी कमी है वो आइन जैन और एक्शन साहब की है। आइन साहब को मैंने कई बार बोला, जैन साहब को भी मैंने कई बार बोला और बोलने के बाद वो एक दो दिन का टाइम देते हैं, उसके बाद में ये मानो कि 2-3 महीने निकल गए, 4 महीने लाइन बची हुई हो चुके हैं और कम से कम इन्होंने पानी छोड़े हुए 3 महीने हो गए तो, और अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, उनको मैंने लेटर भी लिख के डाला है। नहीं ये बताइए अभी इनकी जो फाइल वगैरह है वो कंप्लीट हो चुकी है गाँव की? कम से कम 100 के आसपास फाइल तो तैयार है और फाइल देने का तो गाँव वालों का ये है कि जब दे है ना कनेक्शन चालू होता हो, विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये पानी चालू होगा कि नहीं होगा। नहीं कभी कभार क्या होता है, देखो हम फाइल कहते हैं कनेक्शन की मांग करते हैं, जब कनेक्शन होता है उसके बाद में पानी चालू हो जाता है, ज़्यादातर ऐसा होता है, क्योंकि हमें ऐसा थोड़ी कि पहले टंकी बन जाएगी उसके बाद में फाइल लगाएंगे। तो
टंकी का एक, एक, एक बात मेरे ये समझ में आ रही है कि यहाँ लोग कहते हैं कि सर 2700 रुपये कुछ पैसे फाइल का लिया जा रहा है, वो तो खैर सही बात है, लोग कह रहे हैं इस बात को तो सही है क्योंकि ज़्यादा ही ले जा रहे हैं पैसे, इतने लोग गांव के अंदर इतने पैसे गांव वाले दे नहीं सकते हैं, उसमें थोड़ी सी दिक्कत है। पर इसके लिए क्या कि ये तो सरकार को और पीएचडी विभाग को यहाँ का जो कर्मचारी कौन है उसको आप एक बार फोन लगाओ, आपको फोन दे। मैंने हरिओम जी को भी फोन लगाया, हरिओम जी भी काफ़ी बार कह चुके हैं, हरिओम जी आज यहाँ पर है नहीं, हरिओम जी भी बोल रहे हैं कि मैं पकड़ाई हूँ इसलिए वो यहाँ पर है नहीं। एक बार आप उनको फोन लगाओ, देखो क्या बोलते हैं, उनसे ऑनलाइन बात करते हैं सीधा क्या है। और हम जो यहाँ के जो कर्मचारी है पीएचडी के उनको फोन लगवा रहे हैं, स्पीकर खोल दें। हरिओम जी, यहाँ पर आप कब तक आ जाओगे? एक मिनट बात करो। हरिओम जी नमस्कार, मैं जीनिस पोर्टल से राजेंद्र बोल रहा हूँ, आप ऑनलाइन सीधे लाइव पे चल रहे हो। सर ये बताइए कि ये जो पानी की जो समस्या आपके गांव में, इसमें कहाँ पर विविधान है और कब तक ये दुरुस्त हो जाएगा? हाँ जी हाँ जी, थोड़ा सा करवाई सर, आप जी न्यूज पोर्टल पर लाइव चल रहे हो, दुनिया आपको सब पूरा राजस्थान आपको देख सुन रहा है, तो ये पानी की जो समस्या आपके रिवारी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हो रही है। ठेकेदार बोल रहा है कि सर हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है, तो ये कमी आखिरकार कौन सी जगह पर? सरपंच साहब बोल रहे हैं कि हमारी तरफ से भी कोई कमी नहीं है, तो आखिरकार पीएचडी विभाग इतना गहरी नींद में कैसे सोया हुआ है? ऐसा कमीशन एक बार ये बताइए, कनेक्शन की सर आपने जो फीस निर्धारित की है वो कितनी की है? जो आपने कनेक्शन होने हैं और जिनको कनेक्शन देने हैं तो ग्रामीण से फीस लेंगे ना आप फाइल के ऊपर, कितनी फीस है सर आपकी? हाँ जी, मतलब अलग 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 रेंज के हिसाब से, अलग अलग हिसाब से है। तो अब इतना और बता दीजिए सर कि ये लगभग लगभग कब तक आप इसको दुरुस्त करवाने की कोशिश करेंगे? जी अच्छा, लिस्ट बन रही है लगभग कब तक हो जाएगा? नहीं फिर भी अगर लगभग महीना डेढ़ महीना 15 दिन 20 दिन ऐसा कुछ। हेलो, इस महीने में हो जाएगी? चलो बहुत बहुत धन्यवाद हरिमन जी, हम इस पर बराबर नजर बनाए रखे हैं। आप देखो अब आप क्या करते हो और हमारी नज़र आपके पास बिल्कुल आपके पास बनी रहेगी कि आप कितने दिनों में करते हो, इस महीने में करते हो नहीं करते हो, जब तक लिए आप वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप जुड़े। तो ये थे हरिओम जी, उन्होंने ये बताया। अब दो तीन चार चीज़ आज क्लियर हुई है जैसा जी, दो तीन चार क्लियर चीज़ हुई है। एक क्लियर हुई है, एक तो आपका जो नल का कनेक्शन है इस महीने में चालू हो जाएगा, वो लग रहा है अभी उन्होंने लिस्ट ले ली। सर मेरे को लग रहा नहीं है कि ये कनेक्शन इस महीने में चालू कर देंगे, क्योंकि मेरे गांव की अगर बारिश आ जाएगी तो इतनी हालत हो गई कि गांव में निकलना यानी 4-व्हीलर साधन ले जाना बहुत बड़ी बात हो रही है। मतलब ना तो ये ठेकेदार सीसी बना पा रहा है, ना ही वो कनेक्शन दे पा रहे हैं, यानी गांव वाले यानी दूर दूर से पानी लेके आ रहे हैं। कुछ यहाँ सिंगल पॉइंट के सिंगल फेज के पॉइंट है, इस वजह से पानी लोग पी रहे हैं। बाकी पानी की इतनी अफरा तफरी मची हुई है कि गांव के अंदर ये गर्मी का वैसे ही टाइम है और ना तो कोई जैन साहब देख रहे हैं, ना एक्शन साहब को तक मैंने बोला है, सबको मैंने इनको लिखित में भी दिया है, उसके बाद भी एक दो दिन करते हैं। बाकी मेरे गांव में जो स्विफ्ट डिजायर गाड़ी आती है छोटी वाली, गाड़ी लेके नहीं निकल सकते हैं, हर गली हर क्षेत्र में जाके देख लो आप। तो आपने ग्राम पंचायत से जब आप ये रोड खुदी होगी तो आपने एनओसी दी होगी, तो उन्होंने कहा होगा ना भाई इतने दिन हम इसको कंप्लीट कर देंगे, सब कुछ कहा? वो तो ऐसा टाइम तो दिया नहीं, बाकी इन्होंने बोला था कि 3 महीने में हम कंप्लीट कर देंगे, बाकी तो, जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसको करीब 7 महीने हो गए। तो अब तो बिल्कुल सारे नालियाँ लग चुकी है, पाइप गड़ चुके हैं, तो अब तो सही हो जाना चाहिए लगभग लगभग। वो तो ठेकेदार तो करने को तैयार है, बाकी इसमें कनेक्शन तो करें। कनेक्शन आइन जैन साहब ये भी बोलते हैं कि आप कोई आदमी ढूंढ लो, को करा लो, ऐसा थोड़ी होगा। जय आने का नंबर है आपके पास है ना? नहीं लगाओ फोन।
और मैंने इनको काफी बार बोला है मगर ये हम आपको ऑनलाइन आज लाइव पे हैं और अभी हरिओम जी से हमारी बात हुई। हरिओम जी कौन क्या पोस्ट है इनकी? ये तो यहाँ का वो वाटर वर्क्स कर्मचारी है यहाँ का, और उन्होंने बोला कि हम सर नमस्कार सर देव साहब बोल रहा हूँ। कौन है? हाँ नमस्कार जयंत साहब, मैं राजेंद्र प्रसाद बोल रहा हूँ जी न्यूज पोर्टल से। आप ऑनलाइन लाइव हो अभी इस वक्त दिवाली से? मैं ये कह रहा हूँ सर, ये जो पाइपलाइन की जो समस्या चल रही है कि नल के कनेक्शन नहीं हो पा रहे, तो इसमें सर कहाँ दिक्कत आ रही है और कब तक हो जाएंगे? हाँ दिवाली सर, दिवाली में एक्चुअली अभी हमारा पाइपलाइन का जो सिस्टम है वो तो हो गया, मतलब 70% कंप्लीट कर चुके हैं। प्रॉब्लम ये आ रही है जो हमारा जो एचआर का काम चल रहा है ना, एचआर का जी एचआर का काम जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा जी तो हम पेयजल आपूर्ति को चालू कर देंगे। सर कब तक हो जाएगा ये आपका सारा काम चालू? इसका कंप्लीशन टाइम 12 महीने का है स्कीम का, तो इसमें लगभग 2 महीने कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन आपके हरिओम जी अभी बोल रहे थे लाइव पर इस महीने में हम कंप्लीट कर देंगे, आप बोल रहे हो कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो कंप्लीट करने में आप देख लो टंकी बनी हुई है, काम चल रहा है, ऐसा नहीं है रनिंग में है काम, और काम में उसमें 2 से 3 महीने पूरे होने में लग जाएंगे टंकी बनने में। नहीं सर टंकी की हमारे ठेकेदार से बात हुई है, उन्होंने 2-3 महीने भूभर बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने पानी सर आपका जो आपने वो बना रखा ना वो अलग उनमें पानी डाल दिया गया उन्होंने, उसको थोड़ा सा टेस्टिंग किया है बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं लाइव पे हूँ, लाइव भी आप वो टंकी में अभी टाइम लग रहा है थोड़ा सा, 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे उसको कंप्लीशन में, फाइनल स्कीम चालू करने में। तो आप जानते हो ये तो काम के तरीके से होता है, ऐसा तो नहीं कि एक साल का काम 1 महीने में पूरा हो जाए, वो तो संभव नहीं है आप जानते हो। लेकिन सर अभी वर्तमान में फिर पानी की क्या स्थिति है यहाँ पर? लोग तो यहाँ तराई तराई कर रहे हैं, हमारे लिए ट्यूबवेल है उनसे सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ गांव के सर लोग यही गांव के लोग इकट्ठे हैं यही तो बोल रहे हैं कि सर हमारे पास पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। एक्चुअल में ये कह रहे हैं कि हमारे जो हमें बिना जो ये है ना बिना टंकी के जो भी लाइन बिछाई है जी इसी को नए ये जो ट्यूबवेल हुए पड़े हैं इनसे जोड़ के सप्लाई की मांग उठा रहे हैं ये तो। अच्छा, उसमें थोड़ी टेक्निकल परेशानियां हैं, तो बिना मोटर के टंकी पानी कैसे पहुंचेगा आपके को? एक्चुअल में क्या प्रॉपर तरीके से ही काम होगा, हम कनेक्शन भी दे देंगे, इन लोगों को पानी नहीं पहुँच पाएगा उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये टेम्परेरी व्यवस्था अपना ट्यूबवेलों से चल रहा है, जो पहले एग्जिस्टिंग सिस्टम था ना जी सर, रनिंग में है ऐसा नहीं है। तो इनका कनेक्शन कब तक इनको मिल जाएगा ग्रामीणों को? कनेक्शन की कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ कर देंगे। ओके सर धन्यवाद, ओके सर धन्यवाद, बहुत जल्दी जितना हो सकेगा प्रारंभ कर देंगे। ओके सर, तो ये थे जयंत साहब थे ना, तो ये थे जयंत साहब, इन्होंने कहा कि हम बिल्कुल शीघ्र कार्रवाई करेंगे, लेकिन हम लग रहे हैं और पूरे काम पे नज़र बनाए रखेंगे। ये टंकी है, ये सरपंच है, आपने सारी बाढ़ देखी, और अब हम आपको कुछ ग्रामीणों से भी तो ये था, आज हमने 2 अधिकारियों से बात की और आपको रूबरू करवाया। अब देखने वाली बात है ये कब तक चालू होता है, किस प्रकार चालू होता है। मैं ग्रामीणों से भी आपकी रूबरू करवाने की पूरी कोशिश करूँगा कि आखिरकार पानी की जो अभी जय ने बोला कि यह पानी की हमारा जो पहले से सिस्टम उससे चालू है, तो चालू है या नहीं है वो हम बात करेंगे। जब तक आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल पर। नमस्कार।